और एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें पप्पू यादव को लेकर के इस वक्त की। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को दो दो गैंगस्टरों से मिली है धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गो ने सांसद पप्पू यादव को दी है धमकी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इसी गैंग ने मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही पप्पू यादव को मिल रही है धमकी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पप्पू यादव ने पूर्णिया रेंज के डीआईजी एसपी के साथ साथ डीजीपी भी किया है शिकायत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने कहा है कि सांसद के सभी ठिकानों की जानकारी उनके पास है। जेल में रहने के दौरान जैमर बंद कर उनसे पप्पू यादव को वीडियो कॉल किया था। इस वक्त की बड़ी खबर, सांसद पप्पू यादव को मिली है धमकी, लेकिन पप्पू यादव ने फोन नहीं उठाया। आपको बता दें कि बड़ी खबर, यूएई के नंबर से सांसद पप्पू यादव को धमकी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली है। मयंक सिंह के फेसबुक अकाउंट से भी पप्पू यादव को धमकी दी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, सांसद पप्पू यादव को। पूर्णिया के आपको बता दें, सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने सांसद पप्पू यादव को धमकी दी है। इसी गैंग ने मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। और इस पर अधिक बात करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से सांसद पप्पू यादव को धमकी देने की खबरें मिल रही है, क्या कुछ जानकारी है? और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ पटना संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से सांसद पप्पू यादव को धमकी मिलने की खबरें सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? अनिकेत, देखिए, पप्पू यादव को धमकी मिली है और बकायदा ये धमकी उनको सोशल मीडिया पर मिली है और उन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गो के द्वारा ये कहा जा रहा है कि धमकी मिली है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले ही आपको उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक बयान दिया था जिसमें सुर्खियां उन्होंने बटोरी, जो उसके बाद पर इस तरीके से सोशल मीडिया पर भी उन चर्चा हुई। उसके बाद वो सलमान खान से मिलने भी मुंबई गए थे, कहा था कि हम उनके साथ हैं। तमाम पप्पू यादव ने इसको लेकर एक चर्चा का विषय हुआ था, लेकिन अब पप्पू यादव को धमकी एक तरीके से मिली है कहा जा रहा है। पप्पू यादव इसकी शिकायत पूर्णिया रेंज के डीआईजी एसपी अलावा डीजीपी तमाम लोगों से शिकायत की है। पप्पू यादव को फोन करने वाले फोन भी उनको आया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे के द्वारा। सांसद के सभी ठिकानों की जानकारी भाई कहला ये है वो साफ तौर पर बता रहे थे। वहीं यही जेल के में रहने के दौरान जैमर बंद उनके पप्पू यादव का वीडियो कॉल भी किया था, लेकिन अब पप्पू यादव फोन नहीं उठाया। बाकायदा उनको वीडियो कॉल भी कहा जा रहा है कि आया है। वो कह रहे थे पूरे खानदान को बीच से खत्म करने की धमकी भी दी गई। वहीं यूएई का नंबर से शायद कहा जा रहा है कि नंबर से वो धमकी मिली है। मयंक सिंह है जैसे फेसबुक अकाउंट से धमकी मिल रही है, मतलब कि उनको सोशल मीडिया हो या फोन कॉल या तमाम जगहों से धमकी। पप्पू यादव कह रहे हैं कि ही इसको लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज भी कराई है डीआईजी डीजीपी सबसे, उन्होंने शिकायत की है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पर एक्शन कब लेती है और तमाम इसकी जांच जिस पुलिस इस पर पहलुओं पर अब कर रही है। अंकित जी, राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली है, आपको बता दें पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को धमकी दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं, सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली है।